ગઝલો ફકત લખાય છે દિલની જબાનમાં, પણ દિલની જબાનને વ્યક્ત કરવા માટે જબાનની જરૂર પડે ખરી, બરાબર? પણ આ જબાન એ માત્ર વ્યક્ત કરવાનું માધ્યમ ન રહીને એથી વિશેષ ઘણું બધું છે. એક ભાષાને તમે એક આખી આખી સંસ્કૃતિ કહી શકો, એવી જ ગુજરાતી જેવી મીઠી ભાષા ઉર્દુ. વલી ગુજરાતીથી સોંપાયેલો આ વારસો આજની તારીખ સુધી બરાબર સંચવાયો છે. માટે જ આજે ઉર્દુ અપને આસપાસ વલીથી મોહમ્મદ અલવી સુધી ગુજરાતનો ઉર્દુ વારસો, આ અંગે રસાસ્વાદ કરાવવા આપણી સાથે આજે જે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે, શ્રી જયંત પરમાર, પ્રોફેસર મોહિયુદ્દીન બોમ્બેવાલા, શ્રી સાદિક નૂર પઠાણ અને પ્રોફેસર આબિદ શમસી. પ્રોફેસર શમસી એ સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજના ઇંગ્લિશ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ રહી ચૂકેલા છે. જયંત પરમાર પોતે ગુજરાતી હોવા છતાં ઉર્દુમાં ખૂબ એમણે સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે અને સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ પણ એમને પ્રાપ્ત થયેલો છે. તાળી પાડી શકાય, એમને વાંધો નથી. હા, અને એમના લખાણો, એમનું સાહિત્ય સર્જન એ ઘણી બધી ભાષાઓમાં અનુવાદિત પણ થયું છે. પ્રોફેસર બોમ્બેવાલા, ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં 25 વર્ષ ઉર્દુના અધ્યાપન સાથે સંકળાયેલા હતા અને હવે પીર મોહમ્મદ શાહ લાઇબ્રેરીના છેલ્લા 20 વર્ષથી ડિરેક્ટરના પદે તેઓ છે. શ્રી સાદિક નૂર પઠાણ, એમની માતૃભાષા ઉર્દુ, પણ વર્ષોથી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો સાથે જોડાયેલા, ગુજરાતીમાં ઘણા કાર્યક્રમો બનાવ્યા, પ્રોડ્યુસ કર્યા, લખ્યા અને સાહિત્ય પરિષદ સાથે મળીને આદિવાસી, પારસી, મુસ્લિમ એવી ઘણી જાતિઓ પર ગુજરાતીની અસર કે એમની ગુજરાતી એ વિશે એમણે ખાસું કામ કર્યું છે. હું ચર્ચાનો દોર સોંપું છું શ્રી સાદિક સરને. ઉર્દુ સે મોહબ્બત રખને વાલો કો આદાબ. ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ, જિસે હમ ઉર્દુ મેં કહેંગે ગુજરાત જશ્ન ઉર્દુ, તો ગુજરાત જશ્ન ઉર્દુ આપ તમામ કો મુબારક. और बहुत खुशी होती है कि गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में उर्दू के लिए एक मखसूस सेशन यहाँ रखी है. वो ज़रूरी इसलिए भी है कि हम देख रहे हैं कि आजकल ख़ास तौर से हमारे नौजवान, और मुझे खुशी है कि यहाँ पर नौजवान इस वक्त ज़्यादा दिख रहे हैं, उन्हें उर्दू का कहे तो चस्का लगा है. तो बात यहाँ पर हमारे गुजरात के उर्दू की विरासत की है. मोहम्मद अलवी अब यहाँ पर स्टेज पर नहीं आते, मौजूद हैं, हमारे बीच में हैं. तो वली से मोहम्मद अलवी तक उर्दू की विरासत, में यूं कहूँगा कि वली से भी पहले से उर्दू की विरासत जयंत परमार तक. जयंत परमार गुजराती हैं, गुजराती उनकी जबान है, और उन्होंने मस्जिद की अजाने सुनकर खुद ब खुद उर्दू सीखी. आपको ताज्जुब होगा कि उनका उर्दू में कोई उस्ताद नहीं है, वो खुद ही अपने उस्ताद हैं. और इतनी खूबसूरत राइटिंग उनकी है, क्योंकि वो पेंटर भी हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, बैंकर हैं और उर्दू के शायर हैं. और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात में आज तक उर्दू के लिए साहित्य अकादमी, सेंट्रल साहित्य अकादमी के 2 अवार्ड्स जिन्हें मिले हैं, उसमें मोहम्मद अलवी के बाद जयंत परमार को उर्दू का अवार्ड मिला है, और वो सेंट्रल साहित्य अकादमी के फिलहाल एडवाइजरी बोर्ड में भी गुजरात की नुमाइंदगी कर रहे हैं. हमें फख्र है उन पर, उनकी उर्दू की बहुत सारी किताबें जिसमें और पेंसिल और दूसरी नज़में, मानिंद, अंतराल और नज़्म याने, ये उनके उर्दू कलेक्शन हैं. आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इन कलेक्शंस में जो नज़में हैं हिंदुस्तान की सभी ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है.
हिंदुस्तान की तकरीबन सभी जुबान में उसका तर्जुमा हो चुका है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में उनका अंग्रेजी तर्जुमे की 7 नज़में सिलेक्ट हुई। उन्हें अवार्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला, सेंट्रल का, मध्य प्रदेश का दलित साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला, भाषा भारती सम्मान उनका हो चुका है और माशाल्लाह लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं। मैंने तारुफ यहाँ से इसलिए पेश किया कि जिन बुजुर्गों का हम पर और इन पर हाथ है, मुझे खुशी है कि मैं प्रोफेसर शमसी साहब का हाथ पकड़कर यहाँ तक आया। इन्होंने कहा मेरा हाथ पकड़ लो, मैंने कहा कि सर आप ही का हाथ पकड़कर तो हम यहाँ इतनी ऊंचाई तक आए हैं। प्रोफेसर शमसी मेरे उस्ताद हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज में 35 बरस तक आपने अंग्रेजी पढ़ाई, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया और मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे आप वहाँ से रिटायर हुए और उसके बाद और उसके साथ साथ भी बहुत सारी एनजीओ के अंदर काम करते रहे। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते रहे, CTC में भी आपने पढ़ाया है और उर्दू से आपको उर्दू और अरबी से खास शगफ, बहुत लगाव है, बहुत साफ सुथरी उर्दू बोलते हैं। हम लोगों ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में उर्दू ड्रामे किए, आपने थिएटर भी किया है, पृथ्वी थिएटर के साथ भी आप मुंसलिक रहे और मुझे फख्र हासिल है कि स्टेज पर हम लोगों ने साथ में काम किया है। मैं एज ए स्टूडेंट और आप प्रोफेसर थे, लेकिन उसके बावजूद थिएटर में मंच होने वाले जो नाटक थे उसमें काम किया करते थे। मुझे खुशी है कि मेरे उस्ताद ग्रामी आज यहाँ पर मौजूद हैं और सूरत की उर्दू के ताल्लुक से वो खास तौर से बात करेंगे। उनके वालिद जो थे वो उन्होंने उर्दू में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। आपने गांधी पर एक किताब अंग्रेजी में ट्रांसलेट की है और असगर अली के 10 एक आर्टिकल्स उन्हें अंग्रेजी से गुजराती में ट्रांसलेट किया है। और अब मैं आता हूँ प्रोफेसर बॉम्बे वाला, गुजरात की उर्दू को जिंदा रखने के लिए, उसे मकबूल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बॉम्बे वाला साहब, प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब बॉम्बे के नहीं है, अहमदाबादी है, ठेठ अहमदाबादी है। गुजरात विद्यापीठ में कुछ वर्षों पहले उर्दू कंपलसरी था, 25 बरस तक आपने वहां पर उर्दू के प्रोफेसर की हैसियत से हजारों बच्चों को उर्दू सिखाया है कि विद्यापीठ में हर स्टूडेंट के लिए उर्दू सीखना कंपलसरी हुआ करता था। अब है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके होने की वजह से आज भी गुजरात विद्यापीठ की उर्दू की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध और बहुत ही रिच है और बहुत बेहतरीन किताबें वहां पर मिलेंगी। उसके बाद उर्दू को फायदा यह हुआ कि अहमदाबाद की एक हेरिटेज लाइब्रेरी है, आप लोग वहां बहुत कम जाते होंगे, लेकिन पीर मोहम्मद शाह रोड आपने देखा होगा जो रिलीफ रोड और पानपुर नाके को जोड़ता है और वहां एक बहुत बड़ी मॉस्क मस्जिद आपको दिखती है, उसमें सड़क पर ही दिखने वाली एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो अहमदाबाद की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर लाइब्रेरीज में से एक है और हमारी एक हेरिटेज लाइब्रेरी है जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी के बहुत सारे मखतूतात वहाँ मौजूद हैं और उस लाइब्रेरी को आपने गोद ले लिया है और 20 बरस से आप वहाँ उसके डायरेक्टर हैं। और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग या खासतौर से जो नौजवान बैठे हैं वो कभी ना कभी जब पान कोरना के शॉपिंग के लिए गुजरे तो उस लाइब्रेरी की मुलाकात आप जरूर लें। आपने राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिल चुका है, गुजरात गौरव प्रस आपको मिल चुका है और हमें नाज है कि इस वक्त अहमदाबाद में नहीं बल्कि गुजरात में एक उर्दू का बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही मोतबर अगर कोई चेहरा है हमारे बीच में तो वो प्रोफेसर बॉम्बेला साहब हैं। मैं उस्ताद गिरामी को सबसे पहले माइक्रोफोन सौंपूंगा इसलिए कि बॉम्बेला साहब तफसील से डिटेल में उर्दू की विरासत की बात करें उससे पहले जिन लोगों ने उर्दू के लिए गुजरात में मेहनत की है उनमें एक नाम प्रोफेसर शमसी साहब का भी है जिनके वालिद साहब ने बहुत शुरुआत के दिनों में जो मॉडर्न उर्दू है उसका एक सेंटर वहां पर कायम किया। तो प्रोफेसर आबिद शमसी साहब,
उर्दू के चाहने वालों को मेरा सलाम। उर्दू हमारे आसपास, यह आज का मौजू है। वली की, मैं वली से शुरू करूंगा। और वली ने सूरत पर एक नज़्म लिखी है, अजब शहरा, अजब शहरा में है उर्दू एक शहर, अजब शहरा में है उर्दू एक शहर, बिला शक वो है जग में मकसद गहर। अहे मशहूर उसका नाम सूरत, ये जावे जिसके देखे से कदूरत, जगत की आँख का गोया है ये नूर, जगत की आँख का गोया यह है नूर, अछू इस नूर सू हर चश्मे बद्दूर, किनारे उसके एक दरियाए तपती, कि दुनिया देखने को उसके है तपती, कि आबे खिजर की है इसमें तासीर, हवा देती है इसकी याद कश्मीर, वहां स्नान जब करता है आलम, सुबह और शाम तब करता है आलम। अहे सूरत हकीकत की निशानी, अहे सूरत हकीकत की निशानी, यह है मामूर वहाँ अहले मानी, अगर देखें लोग शाम तबरेज, न देखा होए ऐसा मुल्क ज़फ़ेस, भरी है सीरत और सूरत सुसूरत, भरी है सीरत और सूरत सुसूरत, हर एक सूरत वहाँ अनमोल मूरत, किशन की गोपियाँ के तई है ये नस्ल, नहीं सब गोपियाँ, नहीं सब गोपियाँ वो नक ये असल। वली की ये नज्म जो है ये हमें ताप्ती तक ले जाती है। मेरे वालिद मोहतरम ने ताप्ती पर एक नज्म लिखी है, उसके चंद अशार में आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। खुशा ऐ ताप्ती तू नदियों की है महारानी, खुशा ऐ ताप्ती तू नदियों की है महारानी, तू यकता है यकीनन तेरा दुनिया में नहीं सानी, सुए मंजिल तो इस्तिक्लाल से बढ़ती रही हरदम, सुए मंजिल तो इस्तिक्लाल से बढ़ती रही हरदम, बड़ी दुश्वारियां जितनी बड़ा इतना तेरा दमखम, बड़ी जाती थी तू और सूरते सूरत नजर आई, बड़ी जाती थी तू और सूरते सूरत नजर आई, पता मंजिल का तूने पा लिया ये एक लड़ाई। अब यहाँ से जो है हमारे हालात जो आजकल हैं उस जमाने में थे जब लिखी है इन्होंने, उसके तरफ कुछ इशारे हैं। तेरी गहराइयों में बस रहा है एक जुदा आलम, तेरी गहराइयों में बस रहा है एक जुदा आलम, हजारों किस्म की मखलूक वाकिफ है न जिनसे हम, जुबानें इनकी फिर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, जुबानें उनकी फिर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, बता पर जुदा गाना, बता पर इन जुदा गानों जुबानों पर ये लड़ते हैं, लिंग्विस्टिक हमारे इश्यूज हैं उसकी बातें। तू वस्ते हिंद में गुजरात में बंबई में बहती है, बता क्या सूबा वाराना कशाकश तुझमें होती है, बता क्या सूबा वाराना कशाकश तुझमें होती है, आजकल जो तमिलनाडु की बात है वहाँ, उठी कहती हुई मौजें ये उसकी यक जमा होकर, उठी कहती हुई मौजें ये उसकी यक जमा होकर, यहाँ गालिब हजारों रहते हैं सब एक चा होकर, यहाँ गालिब हजारों रहते हैं सब एक चा। मेरे वालिद मोहतरम ने दो काम किए सूरत में, हर जगह म्यूनिसिपल स्कूल्स में उर्दू पढ़ाई जाती है, और चार साल उर्दू पढ़ने के बाद जो बच्चे वहाँ से निकलते हैं इन्हें गुजराती मीडियम में जाना पड़ता है। मेरे वालिद को ये दिल्ली से आए थे, फिर सूरत में मुकीम हुए, उनको ये बात खलती थी, और उन्होंने हजरत हमीदुद्दीन सूरती जमादार, जो डॉक्टर जहीरुद्दीन मदनी साहब के वालिद थे और फैजुल्ला भाई हमदानी, इनके साथ मिलकर सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी, और 1936 में रुपीज 179 इस पूंजी पर
उन्होंने एंग्लो उर्दू हाई स्कूल शुरू किया, जो आज भी चल रहा है, अपने मकान में चल रहा है, और आज उसमें करीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2000 स्टूडेंट्स नाउ स्टडी इन एंग्लो उर्दू हाई स्कूल। ये उर्दू और अंग्रेजी की स्कूल है। और दूसरा काम जो उन्होंने किया वो बाबा उर्दू हजरत मौली अब्दुल हक साहब को सूरत बुलाकर उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू की गुजरात शाखा का वहाँ उन्होंने कायम की। और हर 15 दिन को तरही मुशायरे होते थे, जहाँ सैयद हफीजुद्दीन शौकी, सैयद जहीरुद्दीन मदनी, फिरोज सरकार, अगर आपको पता है तो फिल्म जन्मदीप जिन्होंने बनाई थी, ये श्री फिरोज सरकार, अजीज सूरती, गनी दहीवाला जो गुजराती के बड़े मशहूर शायर हुए, अमीन आज़ाद जो भी गुजराती के बाद में चलकर बम्बई में इन्होंने वहाँ का एक इदारा संभाला, बिस्मिल सूरती, आसी सूरती, ये इन शोरा ने कोई 5 साल तक हर 15 दिन को तरही मुशायरे में शिरकत की। आप सोचिए कितनी गजलें हुई होंगी। आसी साहब जो है बड़े मजाकिया शायर, उनके 2-3 शेर मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। उनका एक शेर है, इस रेशनिंग में हाजत जुल्लाब अब कहाँ, चावल में संख्या का असर देखता हूँ, क्यों अंडे देने पे मुर्गी कुड़क ना हो जाए, वो कौन है जिसे खूबी पे अपनी नाज नहीं। मैंने हिंदी में एक चीज कही थी, सवेरे शाम दंगल हो रहा है, न जाने क्या अमंगल हो रहा है, खपा रहती है मुझसे श्रीमती जी, मेरा घर मंत्रिमंडल हो रहा है। ये आसी साहब अजीब चीज थे, उनका पजामा जो है एक हमेशा एक तरफ से ऊंचा रहता था, और बड़े खुद बड़े मजाकिया किस्म के आदमी थे। तो इन लोगों की ये उर्दू का यहाँ काम हुआ, उन्होंने 7-8 साल तक उर्दू हाई स्कूल के कंपाउंड में तो मुशायरे किए। सूरत शहर में काफी मुशायरे होते रहे। गुजरात के कोने कोने में उर्दू का काम हुआ, और कैसे हुआ? बम्बेला साहब बात शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों के पास कहने को बहुत कुछ नहीं है, तो हम थोड़ी थोड़ी शायरी आपको सुनाते रहेंगे। तो हाँ, मैं चाहूंगा कि 2 नज़्में पहले हम जयंत परमार से सुन लें, और उसके बाद हम उर्दू की कहानी बम्बेला साहब की जबानी सुनेंगे। आप सबको पहले तो ये सवाल होता होगा कि पोएट्री क्या होती है, व्हाट इज पोएट्री। तो नज्म के अंदर आप देखिए कविता क्या होती है। नज्म का उन्वान है कविता, यानी हवा की एक तस्वीर बनाना पीली घास के कैनवस पर। कविता यानी हवा की एक तस्वीर बनाना पीली घास के कैनवस पर, खामोशी की पगडंडी पर चलते रहना, अपना साया रक्स की लहरों में गुम होते देखते रहना, दो लफ्जों के अंतराल में सब्ज शगुफे का खिलना। कविता यानी इंतजार करना घंटों तक गहरी खाई में गुलाब की पत्ती गिरने की बाजगस का। बाजगस यानी इको। कविता यानी इंतजार करना घंटों तक गहरी खाई में गुलाब की पत्ती गिरने की बाजगस का। कविता है एक जंपिंग नेट जिसके सहारे उछलते कूदते रहना सारी कायनात में।
क्या बात, वाह। एक और छोटी सी नज्म है, अक्सर ये होता है कि अच्छी नज्में कौन सी होती है। नज्म का उन्वान है अच्छी नज्में। कुछ नज्में ऐसी होती हैं देर नहीं लगती है उनके नक्श पा मिट जाने में। स्टेप्स। कुछ नज्में ऐसी होती हैं देर नहीं लगती है उनके नक्श पा मिट जाने में, और कुछ ऐसी अच्छी नज्में होती हैं मौजे हवा पर दस्तखत कर जाती हैं। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, मौजे हवा। ये पूरा माहौल पेंटिंग का हो ऐसा लग रहा है। एक नज्म जो मैं सुनाना जा रहा हूँ जिसका उन्वान है पिराजी सागरा। पिराजी का पसंदीदा के बारे में तो आप जानते ही हैं। कैनवस को कैमरे की आंख से तुम देखते ही देखते उकता गए थे। कैनवस को कैमरे की आंख से तुम देखते ही देखते उकता गए थे। इस जमीन और आसमां के रंग को तूने नए मानी दिए। इस जमीन और आसमां के रंग को तूने नए मानी दिए। कैनवस पर रंग दो मिलते हैं ऐसे अजनबी इंसान गले मिलते हों जैसे। वाह वाह वाह। कैनवस पर रंग दो मिलते हैं ऐसे अजनबी इंसान गले मिलते हों जैसे। और लकीरें धड़कनों सी सांस लेती हैं तेरी तस्वीरें गोया। वाह वाह। लकीरें सांस लेती हैं, तो ये उर्दू जदीद उर्दू की जबान जयंत परमार की नज्मों में बोलती है, गले मिलती है, उछलती है, कूदती है और ख्वाब सजाती है। मैं अब प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वली की विरासत, हमारी उर्दू की विरासत, गुजरात की विरासत, वो विरासत जिसने उर्दू को शेप देने में, उर्दू जबान को शेप देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, मुख्तसर में आप उसकी बात करेंगे। और वली के ताल्लुक से उसके बाद गुजरी जबान जिससे उर्दू जबान की तश्कील में मदद मिली और जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ उर्दू जबान में गुजरात का, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी साजिश ने डाली कंधों पर। सबसे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन बरसों तक पढ़ाने के बाद अब पढ़ने की आदत हो गई है। आपने सोचा होगा मैंने क्या कहा कि बरसों तक पढ़ाने के बाद अब पढ़ने की आदत हो गई है। मुझे रिटायर हुए 20 साल हुए, 31 साल पढ़ाया, तो 30 साल आप सोचते होंगे कि क्या मैंने पढ़ा नहीं होगा। नहीं पढ़ा साहब, पढ़ा दिया। बार से क्या बात। जो पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा कि ऐसा भटका भी यही तरीका था। कुछ ऐसी बातें उनसे हम लोगों ने भी सीखी थी, मगर अब यहाँ शायद उसकी ममानियत हो। अभी मेरे अजीज दोस्त, बरसों के बाद इनकी मुलाकात हुई, हम सन 62 से एक दूसरे को जानते हैं। अभी शमशी को खम्बात में पढ़ाते थे, मैं खम्बात जाया करता था। मेरे ख्याल में रामप्रसाद शुक्ल या पुष्कर चंद्रवाकर, वो उर्दू के अच्छे माहिर थे, उनसे मुलाकातें रहती थी। अभी उन्होंने कहा कि मुर्गियाँ हो गई कुड़क, इंडा अपन बंद करें ना, मैं कुड़क के बारे में। ये इसलिए मैं दोहराता हूँ इनकी बात को कि सूरत के अतराफ में पोल्ट्री फार्म्स बहुत हैं और पारसियों के हैं, अगर वहाँ की मुर्गियाँ कुड़क हो जाएंगी तो फिर लोग क्या करेंगे। दोस्तों, अभी अभी एक बात मैंने सुनी, मुझसे पहले मैं बैठा हुआ था, एक साहब ने यहीं से फरमाया कि गज़ल जो है
उसमें अतिशयोक्ति होती है। ठीक है, होती होगी, मगर मैं उस बात को इस तरह से रखूंगा अपनी तरफ से कि गजल में मुबालिगा नहीं, गजल मुबालिगा को कैद करने का नाम है। गजल मुबालिगों को हकीकत देती है, वो हकीकत जिंदगी की जिसका ताल्लुक आपके और मेरे साथ हुआ करता है। दूसरी बात, यहाँ अभी भाई जो हमारा तारुफ करते हुए यहाँ से इस तरह से गए हैं, बैठे हैं जैसे धूप में से साया जाता है। दोस्तों, हम कहें कि दिल्ली की जबान में, दिल्ली की जबान में शायरी हो, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की जबान क्या हुआ करती थी। अब दिल्ली दिल्ली नहीं रही, वो तो गालिब पहले ही कह चुके थे कि वो दिल्ली नहीं, मीर मेहदी मजरू को कहा था उन्होंने कि तू दिल्ली को रोता है, दिल्ली वालों की जबान को रोता है, वो दिल्ली नहीं है, तू किसकी जबान की बात करता है, वो दिल्ली ख़त्म हो गई। अब गालिब के खतूत पढ़िए, अशार तो सुन लेते हैं, लेकिन मेरी एक फरमाइश है, छोटी सी माफ़ कीजिए, मगर अब गालिब के खतूत पढ़िए, आपका कलेजा कांप उठेगा पत्रों कि दिल्ली क्या हुई और क्या नहीं। तो वो उर्दू जो गालिब के ज़माने में थी, उससे 100 साल पहले मीर के ज़माने में नहीं थी सर, वो और ज़बान थी। और वो ज़बान ये थी कि मीर, जैसे मीर ने कहा था कि जब उनको, जब दिल्ली से लखनऊ जाना था और एक गाड़ी में बैठे थे, उस ज़माने में बैलगाड़ा कैसा कुछ चलता होगा, उसमें बैठे एक शख्स ने उनका किराया दिया और उनको ले जा रहा था। जब दूर का सफ़र था, चलते हुए कुछ बातें करना चाहिए, तो उसने कहा मीर साहब कुछ गुफ्तगू कीजिए ताकि सफ़र कट जाए। हम लोगों का तरीक़ा है कि जब सफ़र नहीं कटता तो कुछ भी कोई हेल्प बातें करने लग जाते हैं। मीर ऐसा वजेदार आदमी था, खुदाए सुखन था, उर्दू का सबसे बड़ा शायर था, उसने उसको कहा कि मियाँ किराया दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बातें भी करूँ, चुप बैठो अपनी जगह पर। उसने कहा क्या मुजायका, थोड़ी बात कर लें। तो उसने कहा तुमसे बात करने में मेरी ज़बान बिगड़ी। अब वो दिल्ली नहीं है, किस ज़बान की बात करें। दोस्तों, अब मैं मौजू पर आ रहा हूँ कि वली गुजराती से लेकर कि मोहम्मद अलवी और जैन परमार तक उर्दू शायरी का जिक्र मुख्तसर कर दो। इस पर वली पर गुफ्तगू करने के लिए 3 रोज़ चाहिए, क्योंकि मैंने बरसों वली को पढ़ाया है। यहाँ वली एकेडमी कायम हुई, वली गुजराती गज़ल एकेडमी बनी, जिसकी जानिब से 1,00,000 रुपया इनाम भी दिया जाता है। लेकिन मैं क्या कहूँ कि मैं उर्दू एकेडमी में पहले से रहा हूँ, जब उर्दू एकेडमी कायम हुई तब से मैं, वारिस अलवी वगैरह उसमें थे। और हमने अभी 5-7 साल पहले जब वली की सेंटेंडी बनाने का मौका आया था, तो वली का तमाम कलाम जमा किया एकेडमी में, वली के बारे में जो कुछ लिखा गया था, वो सब किताबें भी वहाँ जमा की। और इसके अलावा वली के कुलियात जो औरंगाबाद से भी छपे, लखनऊ से भी छपे, दिल्ली से छपे, पाकिस्तान से छपे, वो तमाम किताबें भी उसकी कुलियात, उसकी समग्र कविता के, वो भी वहाँ ला कर रखे। इसके अलावा 2-1 अच्छी गज़ल गाने वालों को वहाँ बुलाया और उनकी कैसेट तैयार करवा दी थी, ताकि वली की गज़ल वो गा कर के बताएं। वली की गज़ल जो पुरानी गुजरी में है मुश्किल होती है, लेकिन उन लोगों ने गा कर वो कैसेट भी वहाँ रखी। सवाल ये है दोस्तों कि उसके इजरा का मौका नहीं आया, वो कभी लोगों के सामने चीज़ें नहीं, वहाँ धूल खा रही हैं। मुझे इस पर अफसोस है, वारिस अलवी अफसोस करते करते इस दुनिया से चल बसे, मैं भी कल चला जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को ये बात इसलिए कहता हूँ कि कभी मौका मिले तो वहाँ जाकर सुन लीजिए, वहाँ वली आपको जिंदा जागता मिल जाएगा। बहुत सारे लोग गांधीनगर में उर्दू एकेडमी के दफ्तर में, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जिंदा होते हैं, जिंदा रहकर मर जाते हैं, बाज लोग मर मर के जीते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसी जालिम जबान है कि लाख मारने पर भी नहीं मरी, दबाने पर नहीं मरी, और वो आप लोगों की वजह से अब तक जिंदा है, और मैं समझता हूँ हमेशा जिंदा रहेगी। वली 16वीं सदी में हुए, मेरे ख्याल में 1654 में ये उसके आसपास वो पैदा हुए थे। मगर वली एक बड़े शायर थे, अजीम शायर थे, और किसी शायर के बारे में जब ये कहा जाए कि एक महान कवि है, तो ये याद रखना चाहिए
कि शायरी की रिवायत जो होती है वो इतनी परवान चढ़ती है, उसके इर्द गिर्द छोटे बड़े इतने शायर होते हैं, चांद इसलिए रोशन है कि वहाँ सितारे हैं आस पास, तो चांद की रोशनी ज्यादा नूरानी लगती है, मुनव्वर लगती है। वली इसलिए बड़े शायर हुए क्योंकि आस पास कई शायर थे, छोटे मोटे शायर थे, वो शायर में अहमद थे, अख्तर थे, राजा राम थे, एजाज थे, कई लोग थे, उनका कलाम भी है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, फिर किसी मौके पर सुन लेंगे हम लोग। वली ने शायरी शुरू की, वली का नाम मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, शम्स वली, कोई भी नाम से पुकार ली, शायर का तो तखल्लुस होता है, नाम से उसे कोई ताल्लुक नहीं होता। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं चाहूँगा कबीर जी के चंद अशआर भी सुना था, लेकिन वो बाद में सुनाऊंगा, वक्त रहा तो सुना दूंगा वरना आप पढ़ लेंगे। लेकिन मैं ये खास बात कहना चाहता हूँ कि अब तक एक गलत ख्याल लोगों के जहन में अपना मकाम बना चुका था, और वो ख्याल ये था, वो कॉन्सेप्ट यह था कि वली अपना दीवान लेकर दिल्ली गए, मीर से भी मुलाकात हुई, और दिल्ली से उर्दू को लेकर के यहाँ आए और यहाँ उर्दू में कहना शुरू किया। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमारे ज़माने के एक अजीम नक्काश शमशुर्रहमान फारूक ने किताब लिखी है उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उसमें इस थेसिस को रद्द किया उन्होंने, बल्कि ये कहा कि वली अपना दीवान लेकर गए और वहाँ उस दीवान की इतनी मकबूलियत हुई कि वहाँ के शायर, वहाँ के शुरा हजरात उस जबान में शेर कहने लगे, उनको उससे पहले फारसी में कहते थे। मीर तकी मीर जैसे अजीम शायर जिसने कहा कि माशूक जो अपना था, बाशिंदा दक्कन का था, जब गुजरात को दक्कन में शामिल समझा जाता था, तो वली ने वहाँ से उर्दू को ला ही नहीं बल्कि वहाँ उर्दू को मकबूल बनाने का सबसे बड़ा काम किया। उर्दू वालों को ये नहीं भूलना चाहिए, गुजरात वालों को इस पर फख्र करना चाहिए। जब वली वहाँ से लौटे हैं और उन्होंने जब अपनी शायरी शुरू की है, तो मैं ये कहूँ कि वली सूफी नहीं था, वली शायर थे, गजल के शायर थे, मगर उनका नाम वली था, लिहाजा लोगों ने ये समझा कि वो सूफी होंगे। उनके यहाँ सूफियाना कलाम मिलता है। अगर आप इजाज़त देंगे और वक्त हुआ तो मैं दो चार शेर उनके सुनाऊँगा कि किस तरह के सूफी थे और उनके यहाँ किस तरह के हिंदू मुस्लिम एकता की बातें उस ज़माने में मिलती है 350 साल पहले। वली के साथ और शायर थे, अशरफ गुजराती थे, उनके दोस्त थे, और शायर थे उजरत सूरती थे, मगर एक शायर का नाम खास देना चाहूँगा, शम्स साहब बैठे मेरे पास पे, वो शायर गालिब के शागिर थे, उनका नाम था मियाँ दाद खां सैया। मियाँ दाद खां सैया का दीवान छप चुका है दोबारा, हमने एकेडमी से फिर हमने छपवा दिया था। उनका एक ही शेर आपको सुनाऊंगा, और वो शेर ये था कि एक शेर की वजह से उर्दू शायरी की तारीख में वो मशहूर हो गए और अपना मकाम बना गए। वो शेर यह था कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैस मजनू को कहते हैं, लैला मजनू वाले मजनू का नाम कैस था। मियाँ दाद खां कहते हैं कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरे की जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये एक शेर की वजह से बहुत मशहूर बना गया। ये मियाँ दाद खां सैया, उनके बारे में कुछ किस्से भी मशहूर हैं जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। अब आइए उर्दू के वो मरकज जहाँ उर्दू शायरी ने अपनी मकबूलियत के लिए एक मकाम बनाया था, वो मरकज में सबसे पहले सचिन था जो सूरत के करीब है, दूसरा मरकज था खम्बात जहाँ हमारे शमसी साहब ने पढ़ाया बरसों तक, तीसरा मरकज था भरूच जिसे बाबुल मक्का भी कहा गया, और उसके अलावा इस तरफ देखें तो काठियावाड़ में मांगरोल, मानवदर, रानावाव, जूनागढ़ ये उर्दू के मरकज थे, वहाँ उर्दू के शौरा हजरात रहते थे, बसते थे, उर्दू में शायरी करते थे। आपको ताज्जुब होगा कि गालिब के दो शागिर्द बड़ौदा में थे, तालिब और वफा, लेकिन एक और शायर थे अफसर मौदूदी जिन्होंने गालिब और अमीर मीनाई जो अपने जमाने में गुस्ताद शौरा थे उनके साथ में मुशायरे में शरीक हुए और अपना कलाम सुनाया। ये गुजरात को गुजराती को फख्र है कि अफसर मौदूदी थे तो इटावा के बड़ौदा में रहे, उर्दू में शायरी बड़ौदा में की, गुजरातियों के बीच में बैठे अपना दीवान मुरतब किया और दाग और अमीर मीनाई जैसे शायरों के साथ मुशायरों में शिरकत की। ये हम लोगों के लिए उर्दू के तालिब इल्मों के लिए एक फख्र की बात है। इसी तरह से आप देखें कि मांगरुल काठियावाड़ और मांगरुल में कई शायर हुए,
एक जुनून मांगरोली थे, सुल्तान शाह मांगरोली थे, उनके दीवान मेरे यहाँ देखने हो तो आपको मिल जाएंगे। 100-125 साल पहले उनका जमाना था। मगर आखिर में एक शायर थे खुशचल मांगरोली, वो मांगरोल में थे, मांगरोल से ढाका गए बंगाल और वहाँ उनका इंतकाल हुआ। वो शायरी करते थे, खैर करते होंगे, सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोगों की शायरी से खुशचल की शायरी अलग थी। वो अलग ही होती कि खुशचल के चंद ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उर्दू के किसी उस्ताद शायर के यहाँ मिलती थी। लेकिन उनका एक और बात थी, वो बात ये थी कि उन्होंने 1920-22-26 तक एक रिसाला जबान के नाम से निकाला, जिसके 26 पर्चे 2.25 साल तक निकलते रहे, बाकायदा निकलते रहे। वो पर्चे हमारे पास तो नहीं थे, लेकिन वो पर्चों का पूरा फाइल खुदाबख्श लाइब्रेरी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है मखतूतात की, वहाँ पर महफूज थे। वहाँ के डायरेक्टर आदिल रजा बेदार ने वो 26 पर्चों को जबान के नाम से छपवा दिया। और गुजरात में और अहमदाबाद की तारीख पर एक यादगार दिन आया जब वहाँ के आदिल रजा बेदार डायरेक्टर उस दीवान, उस मजमून को, या यूँ कहिए कि उस रसाले को छपा हुआ लेकर के अहमदाबाद आए, साथ में बिहार के गवर्नर को भी लेकर आए और गुजरात के गवर्नर भी तशरीफ लाए और गुजरात व्यापारी महामंडल में वो जबान नाम के रिसाला जो किताबी सूरत में शाया हुआ था उसका इजरा हुआ। दोस्तों आप सोचिए कि इतना सब काम उर्दू के बारे में गुजरात में हुआ, गुजरात के मराकिस में हुआ, और फिर हम ये कहें कि हमारे यहाँ उर्दू की मुर्गी कुरक हो गई, कैसे हो सकती है? दोस्तों उर्दू जिंदा है, उसे जिंदा रखा गया है। एकेडमी की जानिब से मैं समझता हूँ कि 70 से ज़्यादा उर्दू की किताबें छप चुकी हैं जो एकेडमी के ग्राम से छपी। उर्दू में मोहम्मद अलवी एक बहुत बड़ा नाम, एकेडमी अवार्ड मिला है। इसी के साथ मैं आदिल मंसूरी का नाम रखूँगा। एक ज़माना हुआ करता था जब मैं 56-60 की बात होगी, जब बीए पास करके मैंने एमए पास किया तो अलवी साहब पढ़ाने लगे थे और 3 दरवाजे की कलीम बुक डिपो के फुटपाथ पर हम उर्दू के चंद दोस्त, जिसमें मोहम्मद अलवी होते थे, आदिल मंसूरी होते थे, जिसमें रहमत अमरोही होते थे, सरशार बलनशेरी होते थे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ कर हम शेर व शायरी सुना करते थे, वो अपने शेर व शायरी कहा करते थे। और एक ईरानी की होटल हुआ करती थी, वो रात भर इसलिए चालू रखता था कि जब तक ये लोग बैठेंगे मैं इनको चाय पिलाता रहूँगा और इनकी शायरी सुनता रहूँगा। बुजुर्गो दोस्तों आज भी आज ये देखिए कि मोहम्मद अलवी खैर हमें कांधा देने के लिए जिंदा रह गए हैं, वारिस अलवी चले गए। उर्दू के उस्ताद शायर जो थे, मेरी ये कोशिश रही कि गुजरात के तमाम उस्ताद शायरों का कलाम उनके दीवान या उनके मजमूए, उनके संग्रह एकेडमी या एकेडमी की जानिब से या कहीं से भी शाये हो जाने चाहिए। तो बशीरुद्दीन जख्मी, जमील कलीमी हमारे ऐसे दोस्तों में थे, बुजुर्गों में थे, उनके दीवान छप चुके हैं। रहमत अमरोही का दीवान छप चुका है, जमाल कुरैशी का दीवान छप चुका है, इस तरह के और कामिल कुरैशी का दीवान छप चुका है, और फखरुद्दीन फख्र गुजरात जिनको कहते हैं, आखिर उनका कलाम मंगवा कर वो भी हमने एकेडमी की जानिब से शाये कर दिया है। दोस्तों मैं समझता हूँ इतना काम हुआ है, और उर्दू से दूर दराज इलाका दिल्ली वाले कहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि उर्दू का सबसे बड़ा मरकज जब दिल्ली में फारसी में शायरी हुआ करती थी, गुजरात में उर्दू में शेर कहे जाते थे, वो उर्दू का इलाका, सबसे पहला इलाका गुजरात का था। मोहम्मद अलवी पर बात करें तो देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि गुजरात को नाइंसाफियों का सामना करना पड़ा, चाहे उर्दू का हो, चाहे हमारे यहाँ की लीडरशिप रही हो, चाहे हमारे यहाँ की सियासत रही हो, हर मामले में गुजरात मार खाता रहा है। मैं नहीं कहूँगा ये सियासी मामला है, लेकिन यूपी वालों ने, बिहार वालों ने, आसाम वालों ने, पंजाब वालों ने कुछ ऐसे वाइट कॉलर से काम करते रहे और गुजरात को दबाते रहे। तो देखिए हमारे यहाँ जो लीडरशिप आती थी वो भी नॉर्थ से आती थी, हमारे यहाँ ऐसे लीडर्स हुए जिनमें बड़ी काबिलियत थी मगर वो दबा दिए गए। एक बार जब
मोरारजी भाई क्योंकि विद्यापीठ में रहा और मोरारजी भाई से मिलना हुआ करता था। मोरारजी भाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। एक बार बैठे थे हम गेस्ट हाउस में और मेरे दोस्त वो जफर हाशमी भी थे। मोरारजी भाई से पूछा कि आपने कभी कोई शेर कहा, तो मोरारजी भाई से पूछा कि आपने कभी कोई शेर कहा। मोरारजी भाई ने कहा कैसी बातें करते हैं। जो भी भाई कह गए कि शेर में झूठ होता है, मुबालगा होता है, गलत बयानियाँ होती हैं, मैं प्रोज का आदमी हूँ। ये इंटरव्यू छप चुका है, मैं प्रोज का, मैं गद्य का आदमी हूँ, यानी नसर का आदमी हूँ। फिर भी हाशिमी ने पूछा कि कोई एक शेर हो तो आप सुना दीजिए जिसका भी आपको याद रहा हो। तो मोरारजी भाई ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं आत्मकथा पढ़ता हूँ गांधी जी। फिर वक्त मिल जाता है तो किशोरलाल मशरूवाला को पढ़ लेता हूँ, शेर नहीं पढ़ता। फिर भी तुम जिद करते हो, एक शेर सुनाता हूँ। और मोरारजी भाई ने इकबाल का एक शेर सुनाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, मोरारजी भाई ने भी उर्दू का शेर सुनाकर, मैं समझता हूँ, उर्दू को जिंदा रखने की कोशिश की। और वो कोशिश की सूरत ये थी कि सन 20 में विद्यापीठ कायम हुआ और उसमें गांधी जी ने अपने हाथ से जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका आइन लिखा था, बंधारण लिखा था, उसमें लिखा था कि विद्यापीठ में हिंदुस्तानी जबान फर्जियात पढ़ाई जाएगी, कंपल्सरी पढ़ाई जाएगी। और ये हिंदुस्तानी जबान वो होगी जो यूपी में बोली जाती है, जिसका दूसरा नाम उर्दू है, जो फारसी रसमल खत में लिखी जाती है। इस तरह से उर्दू को जिंदा रखने के लिए विद्यापीठ ने एक बड़ा रोल अदा किया। एक शेर सुन लीजिए। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, एक खाना बड़ अंदाजे चमन कुछ तो इधर भी, तो वहाँ दिल्ली में फूलों की बरसात होती रही, पैसों की बरसात होती रही, औदों की बरसात होती रही, गुजरात में कहाँ से आता, 1000 मील दूर बैठे हैं, कहाँ से कोई चीज़ आ जाती। तो एकेडमी वालों ने भी एक दो फूल या गुल उछालने की कोशिश की, एक दो फूल उछल कर इस तरफ भी आ गए। एक मोहम्मद दलवी के दामन में पड़ा और एक मेरे जैन परमार के दामन में पड़ा। इत्तेफाक से ये दोनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। मैं समझता हूँ क्यों दिया वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इसका बहुत, इसकी बहुत खुशी है कि मेरे दो दोस्तों को उनकी जिंदगी में जब मैं जिंदा हूँ और ये देख पाया हूँ, उन दोनों को एकेडमी अवार्ड मिला है। अफसोस इस बात का रहा कि वारिस अलवी को एकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजीम नक्काद था। उसने उर्दू के मीनारे को इतना बुलंद किया कि जिस पे चढ़ कर आप पूरे हिंदुस्तान की उर्दू का मुतालिया कर सकते थे, मुआयना कर सकते थे, जहाँ बड़े से बड़ा नक्काद उस मीनारे के सामने छोटा नजर आता था। वारिस अलवी का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम है, उस पर गुफ्तगू फिर किसी मौके से होगी। दोस्तों, जैन परमार, रियाज लतीफ, ये उर्दू के जदीद कहने वालों में शायरी ऐसी है जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको एक दो बातें कहना चाहूंगा कि गांधी जी जब यहाँ पर आए तो गांधी जी की जयंती कल गई, भविष्य कल गांधी जयंती थी। आपको याद होगा कि गांधी जी 1869 में पैदा हुए, अगर भूलू नहीं तो करेक्ट मी प्लीज, याददाश्त कम हो गई है, 82 साल गुजर रहे हैं। लेकिन गांधी जी 1869 में पैदा हुए, आपको ये याद दिला दो जो मुझे याद रहता है, गालिब 1869 में अवसान पाए थे, उनका इंतकाल हुआ था। तो मैं ये कहूँ तो गलत तो नहीं होगा कि गालिब मरे और गालिब की रूह किसी ने किसी उसका रूह का कुछ उनसर गांधी जी में आया, और गालिब ने जो अशार कहे थे, मैं जैसे चाहूंगा कि आपके सामने भी रखूं कि न सुनो गर बुरा कहे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर गलत करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, और बख्श दो गर खता करे कोई।
गालिब ने वो तीन बंदर नहीं देखे थे क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बंदर थे, क्या बात। लेकिन गांधी जी ने वो तीन बंदरों के जरिए से इस बात को दोहराया, और हम ये कहते हैं कि गालिब की बात को गांधी जी ने दोहराई, इसलिए उर्दू का ताल्लुक गांधी जी से भी है क्योंकि उन्होंने उर्दू को कंपलसरी विद्यापीठ में रखा, और गांधी जी का ताल्लुक गालिब से भी है कि गालिब की बात को नॉइंगली या अनोइंगली गांधी जी ने इस तरह से दोहरा दिया कि गालिब ये शेर अमर बन गए। दोस्तों, एक बात आपसे और आपके सामने रखना चाहूँगा, मोहम्मद अलवी बहुत बड़े शायर हैं, वो मासूमियत के शायर हैं, निर्दोषिता के इनोसेंस पोएट जिनको गोपीचंद नारंग ने कहा, और मैं ये चाहूँ कि उसके दो चार शेर आपके सामने रख दूँ। उससे पहले वली का शेर, वली के दो चार शेर मैं आपको सुना दूंगा, आप न चाहें जब भी सुना दूंगा। वली का एक शेर बहुत उम्दा शेर है, मुफलिसी सब बहार खोती है गरीबी, मुफलिसी मुफलिसी यानी गरीबी, मुफलिसी सब बहार खोती है इश्क का एतबार खोती है। गरीब आदमी का इश्क कौन, गरीब आदमी आशिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आशिक तो वो होगा जो माशूक का हाथ पकड़ कर बिग बाजार में ले जाए या अल्पामाल में ले जाए, और मायतों की गलियों में आशिक माशूक को लेकर कहाँ जाएगा, उसकी जेब में इतने पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन वली ने इस बात को बरसों पहले कहा था कि मुफलिसी सब बहार होती है, इश्क का एतबार होती है। एक बात को फिर गजल के ताल्लुक से आपके सामने रखूं, मोहम्मद अलवी के गजल का एक शेर सुना दो आपको, जाते जाते देखना पत्थर में जान रख जाऊंगा, मुझे इन पत्थरों में जान नजर आती है। बहुत पहले जब हमारे दोस्त विनोद भाई कपासी आज भी हैं, अब मिलना कम होता है, लेकिन उनके प्रोग्राम में मैं आया था, मुझे याद है। आज इन चीज़ों को देखकर इसमें नई जान पैदा हुई है और मुझमें जीने की नई उमंग पैदा हो गई है। तो मोहम्मद अलवी का शेर है कि जाते जाते देखना पत्थर में जा रख जाऊंगा, और कुछ नहीं तो एक दो चिंगारियां रख जाऊंगा। चकमक पत्थर है, मुर्दा है, मगर जब उसे टकराते हैं तो उसमें जिंदा एक चिंगारी पैदा हो जाती है। मोहम्मद अलवी का फिर शेर सुनिए, आज क्या ये शहर किस तरह का शहर, घर है समाज नहीं है, समाज है आबादी नहीं है, आबादी है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जिंदा इंसान तो यहाँ नजर आते हैं कनौरिया में, वरना आप रास्तों पर जाएं तो लोग अपने बिजनेस में डूबे हुए, अपने कारोबार में खोए हुए, शेयर बाजार में गुम है, जमीन खरीदने में पड़े हुए हैं, जिंदगी है या नहीं एक सवाल पैदा होता है। मोहम्मद अलवी ने शेर कहा था, जिंदा भी है, मैं नौहा घर हूँ यानी मातम करने वाला, मैं नौहा घर हूँ भटकते हुए कबीलों का, उजरते शहर की गिरती हुई फसीलों का, फसीलें टूट गई, शहर के कोट तोड़ दिए गए, शहर बहुत बड़ा बन गया मगर दिल छोटे हो गए, इसमें शायरी कैसे समा सकेगी। दोस्तों, मोहम्मद अलवी, सरशार बुलंदशहरी, आदिल मंसूरी जैसा उन्होंने कहा कि अमेरिका में गजल को जिंदा रखा, गजल का बहुत बड़ा शायर था, खैर गुजराती गजल का तो बहुत बड़ा शायर आज भी माना जाएगा, क्योंकि शायर कभी इस दुनिया से रूपोश होते हैं मगर हमारे बीच में रहते हैं, उनकी शायरी जिंदा रहती है। मोहम्मद अलवी से आखिरी मेरी मुलाकात मैंने सादिक को कहा था, आदिल मंसूरी से, पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी जो एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी, हिंदुस्तान की चौथे पांचवें नंबर की लाइब्रेरी, मैं आपको दावत देता हूं कि आप ज़रूर आइए, वहां पर गुजराती और हिंदी की किताबें भी बहुत है और उर्दू की किताबें भी बहुत है, 4000 मखतूतात। महाभारत पंडित जीवनदास ने लिखा, उसका फारसी तर्जमा उन्होंने किया, और वो वडनगर के थे। मैंने हमारे मुरब्बी उस वक्त के वजीर आला और आज के हमारे हरदिल अजीज नरेंद्र भाई को ये बात रूबरू कही थी कि वडनगर संस्कृत का और फारसी का सबसे बड़ा केंद्र रहा, गुजरात का दूसरा बड़ा केंद्र दहगाम नांदोल था, अब संस्कृत भी वहाँ नहीं रही और फारसी भी वहाँ नहीं रही।
दोस्तों अब ये देखिए कि इस लाइब्रेरी में हमारे यहाँ कुछ ऐसी नायाब चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ, मगर इस बात को भी मैं छोड़ रहा हूँ। आदिल मंसूरी की आखिरी मुलाकात मेरे वहाँ हुई, शाम को 5 बजे थे। आदिल आकर बैठे, मेरा बहुत पुराना दोस्त था, आर्टिस्ट था, बॉर्न आर्टिस्ट था। और आपको एक बात बताएं, एक बार एक मुशायरा था, अली सदा जाफरी वगैरह खड़े हुए थे, अलवी साहब भी थे, और तहरीक रिसाला निकलता था, उसके एक एंटी कम्युनिस्ट उसके एडिटर थे गोपाल मित्तल, अब तो उनके लड़के हैं प्रेम गोपाल मित्तल। तहरीक नाम के रिसाले में से एक शेर पढ़कर अलवी साहब ने, आदिल का एक शेर पढ़कर अली सरदार को सुनाया। अली सरदार जाफरी ने सुनकर के कहा कि टीएस इलियट से यह ख्याल उठाया गया। क्या तो अलवी ने जवाब दिया कि माफ कीजिए जाफरी साहब, आदिल मंसूरी अंग्रेजी नहीं जानता। वो तो रंगों की दुनिया का आदमी था, उसकी पेंटिंग्स देखी, उसने जो टाइटल्स बनाए वो देखी, और फिर उसकी शायरी पढ़ना है तो नज्मों में पढ़िए। बड़ी शायरी जो की है, मुझे अभी याद आया कि चाहे वेस्टलैंड हो, ऐश वर्धे हो, इलियट की जो भी नज्म हो, लेकिन इस तरह की तवील नज्में अगर उर्दू में पहली बार किसी ने लिखी हैं तो आदिल मंसूरी ने लिखी थी, और मुझे उस पर फख्र है, क्योंकि अलवी साहब इस बात को वो कबूल नहीं करते थे, लेकिन मैं कहता था कि अलवी नज्म का बड़ा शायर है, उसने बड़ी कामयाब नज्में लिखी। जफर इकबाल नाम के एक बहुत बड़े शायर पाकिस्तान में थे, उन्होंने जबान की तोड़ मरोड़ ऐसी शुरू की कि उसका असर यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, और उर्दू के हर शायर ने जफर इकबाल के तत्वों में उर्दू गज़लें लिखना शुरू की। तो यहाँ मोहम्मद अलवी ने, आदिल मंसूरी ने, क्योंकि मोहम्मद अलवी ने तो कहा कि अलवी से नाम हूँ गुजराती छूँ, उसने उर्दू के शेर में लिखा अलवी से नाम, पता नाम चाहो तो लिख लो मियाँ, मेरा नाम अलवी है गुजराती छूँ। तो वो आदिल मंसूरी ने जफर इकबाल की तत्वों में उसकी पैरवी करते हुए आधा शेर उर्दू का, आधा शेर गुजराती का अपनी ज़बान को मिलाकर उसने गज़लें छुपी हैं, कही हैं, वो गज़लें छप चुकी हैं, उसमें से सादिक साहब आपके सामने चंद नमूने रखेंगे। ये इसलिए कि देखिए उर्दू पर कितने तजुर्बे हुए और आदिल मंसूरी कितने इनोवेटिव और कितने क्रिएटिव थे, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये किताब हमारे हाथ में है जो गुजराती लिपि में है, और इसका टाइटल है तरकीब। जफर इकबाल को उन्होंने फोन पर कहा, अमेरिका में आदम टंकारवी और आदिल मंसूरी एक बगीचे में बैठे थे, और उन्होंने कहा कि यार उर्दू को गुजराती से कैसे मिलाया जाए, गुजरी पर भी बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जफर इकबाल से कहें कि वो अपनी गजलों में बलूची और पंजाबी और तरह तरह के प्रयोग करता है तो गुजराती के प्रयोग क्यों ना करे पाकिस्तान का शायर जफर इकबाल। उसे वहीं से फोन लगाया और कहा मियाँ आप बहुत सारे तजुर्बे करते रहते हो, आप गजल में उर्दू गजल में गुजराती को बढ़त के बताइए। तो कहा आप भेज दीजिए जो आपको भेजना है। आदिल मंसूरी ने 121 रदीफ गुजराती के जफर इकबाल को भेजे। 2 ही महीने में जफर इकबाल ने 121 गजलें लिखकर भेजी जो इस किताब में मौजूद है। और किस तरह से देखिए कि उसका रदीफ जो है, जो प्रास, प्रास के बाद जो रदीफ आता है काफिया, काफिया के बाद खाली लगा मकान तमारा गया पछी, खाली लगा मकान तमारा गया पछी, गहरा था आसमान तमारा गया पछी, गहरा था आसमान तमारा गया पछी, और जैसे गए नहीं हो अभी पूरी तरह से, ऐसा रहा गुमान तमारा गया पछी, ऐसा रहा। और शेर देखिए एक और कि सारी खुदाई पर कोई पर्दा सा तन गया, देखी खुदा की शान तमारा गया पछी। और आखिरी शेर देखिए, कदमों की चाप साफ जफर को सुनाई दी, बजने लगे थे कान तमारा गया पछी। पूरी किताब की 121 गजलें, इसके तमाम रदीफ गुजराती के हैं। बहुत खूबसूरत तजुर्बा ये आदिल मंसूरी का कंट्रीब्यूशन, उनकी रंगों के, उनकी पेंटिंग के, उनकी
गुजराती गजलें और उनकी उर्दू गजलों के साथ साथ ये बड़ा कारनामा है। अभी एक साहब ने ये भी कहा कि फारसी जबान जिसे पर्शियन कहते हैं उसका दौर दौरा ख़त्म हो रहा है। जब जहाँ उर्दू का दौर दौरा ख़त्म होने को है वहाँ फारसी को कौन पूछेगा। मेरे उस्ताद डॉक्टर छोटू भाई नायक थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया। उर्दू के उस्ताद थे और फारसी के उस्ताद थे। फारसी में उन्होंने PhD किया था और गुजरात यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो वहाँ फारसी के पहले लीडर छोटू भाई नायक थे। तो उस वक्त उनका सम्मान रखा गया था और मुरब्बी सब लोग बैठे थे बुजुर्गान दीन और बुजुर्गान अदब। तो कुछ लोगों ने उनके बारे में तकरीरें की तो मुरब्बी भायानी साहब ने मुझसे कहा कि बॉम्बे वाला आप भी कुछ नायक साहब के बारे में कहिए, आप तो उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। मैंने कहा ज़रूर मैं कहूँगा। मैं खड़ा हुआ और मैंने एक फारसी के ताल्लुक से कहावत पढ़ी, पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत के खेल। और मैंने कहा कि फारसी पढ़कर तो तेल बेचना भी हमको तो नहीं आया, वो भी ठक्कर लीलाधर वागजी ने सीख लिया, मगर हमारे नायक साहब ने फारसी की लाज बचाई, फारसी का मरकज कायम किया, यूनिवर्सिटी जैसे लेवल पर हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए फारसी के इम्कानात पैदा किए, उसके लिए एक फ़ज़ा तैयार की, उनका बहुत बड़ा एहसान। बहुत सारे मुझ जैसे स्टूडेंट्स उनके पास पढ़े हैं। एक और प्रोफेसर थे राजकोट के धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज में, फारसी के उस्ताद थे शांतिलाल मेहता। ये नाम इसलिए रखता हूँ कि लोग समझते हैं कि फारसी जिस तरह से उर्दू का ताल्लुक मुसलमानों से जोड़ दिया है, फारसी का ताल्लुक भी मुसलमानों से जोड़ दिया था। लेकिन आपके सामने दो बड़े नाम रखता हूँ जो हमारे उस्ताद रहे, एक शांतिलाल मेहता धर्मेंद्र सिंह जी में उर्दू के फारसी के उस्ताद थे और फारसी डिपार्टमेंट के हेड थे। नायक साहब ने फारसी गुजराती की डिक्शनरी 4 वॉल्यूम में तैयार की। वो पहली डिक्शनरी थी जो इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से लिखी गई। शमी साहब ने शायद बताया, मुझे याद नहीं रहा, आपके वालिद साहब थे तफद्दुल हुसैन शमशी और हम छोटे थे तो उन्होंने एक डिक्शनरी तैयार की थी जो अरबी गुजराती की पहली डिक्शनरी थी। और आपकी दुआओं से मुझे मौका मिला था, कुछ तबीयत ने साथ दी, कुछ हेल्थ और सेहत ने भी साथ दिया, तो मैंने उर्दू गुजराती की डिक्शनरी तैयार की। और वो डिक्शनरी तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि डिक्शनरी तैयार करने में 8-10 साल लग गए और गुजराती के बहुत बड़े साक्षर विद्वानों के विद्वान केकर शास्त्री साहब के साथ बैठने उठने का मुझे मौका मिला। हर 4th-8th दिन उनके घर जाता था, बड़ी मोहब्बत से बिठाते थे अपने हाथों, वो चाय नहीं पीते थे, चाय बनाकर मुझे पिलवाते थे, उनसे ताल्लुक रहा। वो गुजराती की डिक्शनरी सबसे बड़ी उर्दू गुजराती की डिक्शनरी मैं समझता हूँ कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज की बहुत बड़ी डिक्शनरी हो गई। खैर उसका मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग जानते हैं बात पहुँच चुकी है, 2000-3000 कॉपियाँ बिक गई, दूसरा एडिशन छप चुका है। लेकिन एक काम मैंने ये किया था कि एकेडमी जब थी तो मैंने कहा कि हम उर्दू के प्रोग्रामों पर हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, मुशायरों पर जिसे मुशायरा सुनकर लोग जाते हैं दामन झटक देते हैं, शायद जो शेर सुनाता है वो ऑडिटोरियम के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचता, और ये डिक्शनरी लोगों के घर तक पहुँच जाए ऐसा करना चाहिए। मैंने लिखी तरतीब दिए मुरतब इसलिए नहीं बल्कि उर्दू गुजरात वालों की ज़बान है और हर गुजराती के घर में डिक्शनरी पहुँचे, इसलिए इसकी कीमत कम से कम कर दीजिए। तो 450-500 रुपये उसकी कीमत थी और हमने कोशिश करके उसकी कीमत सब्सिडाइज 200 रुपया करवा देती थी। ये आप लोगों के दुआओं से और मेहनत से ये काम हो गया। नायक साहब ने डिक्शनरी तैयार की, अब तो डिक्शनरी बनने लगी है दोस्तों। अब मैं आपको वली गुजराती के 2 शेर सुनाना चाहूँगा और मोहम्मद दलवी की एक नज्म सुनाना चाहूँगा। वली गुजराती का शेर है, शुगल बेहतर इश्कबाजी का, शुगल बेहतर इश्कबाजी का, क्या हकीकी और क्या मजाजी का, हकीकी और मजाजी के चक्कर में मत पड़े, इश्क करते रहिए, इश्क वो है जो आपको कभी ना कभी आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा और वो आखिरी मंजिल खुदा की मंजिल होगी।
कल मोरारी बापू को सुन रहा था, उनके यहाँ भी उर्दू का प्रोग्राम चल गया था, उनके आश्रम पर दिया था, मैं ही सब लोगों को लेकर के गया था। कल बापू ने एक बहुत अच्छी शब्द पर बोल रहे थे, मैंने आते ही उसको लिखा और बापू को एक तक लिख दूंगा। इस बड़े प्रोग्राम में भी जो हमारे भाग्यश भाई जायक की तीन किताबों का हिजरा था, वहाँ मोरारी बापू बोल रहे थे, शब्द पर बोल रहे थे, और उन्होंने जलालुद्दीन रोमी और अमीर खुसरो को याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और अमीर खुसरो जो जिनकी यानी उस्ताद या उनके मुर्शिद निजामुद्दीन थे, उनके ताल्लुक से बात हो सकती है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मगर बापू ने जो शब्द के बारे में बात की, तो एक और बड़े संत पुरुष की बात है जिन्होंने कहा था कि जब कुछ न था तो लफ्ज था, लफ्ज खुदा का था और लफ्ज खुदा था, जब कुछ न था तो लफ्ज था, लफ्ज शब्द लफ्ज खुदा का था और लफ्ज खुदा था, यानी अल्फाज जो हैं जो लोगों की जबानों से निकलते हैं वही एक खुदा का नूर है जो इस दुनिया में हमको अता किया गया। दूसरा शेर सुनिए, ते दिखा के अपस के, ते दिखा के अपस के मुख की किताब, इन लोग खोया है दिल सो खाजी का, ते दिखा के अपस के मुख की किताब, चेहरे को किताब कहा है। वली ने कहा था मैं शायरी की शनाख्त कराना नहीं चाहता, मुझसे बेहतर जानने वाले तो आप लोग हैं, लेकिन वली कहते हैं कि उसके चेहरे की किताब दिखाकर मुझे तो भुलाया लेकिन काजी को भी भुला दिया, और काजी अगर भूल जाएगा तो फैसला कैसे करेगा, वो गुजरात के हाईकोर्ट थोड़ी है। तो दोस्तों वो काजी के दिल से भी उन चीज़ों को भुला दिया। दो शेर सुनाऊंगा कि कूचे यार ऐन काशी है, कूचे यार ऐन काशी, यार की गली, मोहम्मद अलवी का शेर है, कूचे यार ऐन काशी है, जोगी दिल वहां का बासी है, वाह, जो दिल का जोगी है वहां का बासी, यूं कहिए कि योगी है वो वहां का बासी है, पी के बैराग और पी के बैराग और उदासी सो दिल में मेरे सदा उदासी है। तीसरा शेर देखिए, आए सनम जो जबी ऊपर ये खाल, खाल यानी गोरे गालों पर एक काला तिल होता है, फारसी शायरी में उर्दू शायरी में इसकी बड़ी अहमियत है। हाफिज शिराजी का शेर था कि अगर आ तुर्क शिराजी बदस्तारत दिले मारा, अगर आ तुर्क शिराजी बदस्तारत दिले मारा, बखाले हिंदवश बख्सम समरकंदो बुखारा। अमीर तैमूर ने कहा उस पागल को बुला लो, वो क्या समझ के माशूक के तिल के लिए समरकंद और बुखारा को बख्शिश दे देगा, कितनी मेहनतों से और जतनों से मैंने समरकंद और बुखारा को जीता है। बुलाया गया तो हाफिज ने कहा कि अमीर तुम अपने सल्तनत के अमीर और साहिब खड़ा हो, शायर अपनी सल्तनत का बादशाह होता है, जिसे मन में चाहता है उसे बख्श देता है, जिसे मन में आता है उसे नवाज देता है। तो देखिए, अरे सनम तो जब ही ऊपर ये खाल, हिंदुवे ने हिंदुवे हर द्वार बासी है, हिंदुवे हर द्वार बासी है, हर द्वार में कोई हिंदू तिलक लगा कर बैठा है, ऐसा उसके चेहरे पे ये काला तिल है, ये उस तरह का। और आखिरी शेर सुन लीजिए और दाद दीजिए, तो ये सियासी तो जनकदा पर नागनी जो कुए पे प्यासी है, जुल्फ लटकती है, आजकल सबके जुल्फ लटकती है, मेरी लड़कियों की भी लटकती है, वो जुल्फ लटकती है और वो यहाँ जखन जनकदा तक आती है, वो पानी पी नहीं सकती, प्यासी और पानी पी नहीं सका, ये व्यास से कहा। ये तीन शेर आपके सामने रखे, बहुत बड़ा सुनाओ तो रात हो जाएगी। तो आपने मोहम्मद अलवी को यहाँ पर हाजिर कर दिया, वो हमारे गुजरात के बहुत बड़े नुमाइंदा शायर हैं, और ऐसे शायर जो उर्दू दुनिया के बहुत बड़े शायरों में जिनका नाम है और जिन्होंने गुजरात का नाम उजाला है, बहुत खूबसूरत ज़बान उनकी, तो उसका नमूना आप सुन लीजिए। खुदा पर मोहम्मद अलवी ने चार नज़में लिखी, ये मैं नहीं जानता कि खुदा का तस्वुर उसके जहन में क्या है,
मगर इतना जानता हूँ कि वो पीर बलामिया साहब के लड़के, इसलिए मजहब की पासदारी उसके यहाँ खानदान में है। और ये नज़्म सुन लीजिए जो मुझे बहुत पसंद है, हिंदुस्तान में बहुत पसंद की गई। गोपीचंद नारंग को ये नज़्म ख़ास पसंद थी। नज़्म का उन्वान है मगर मैं खुदा से कहूँगा, क्या कहेंगे वो सुन लीजिए। मगर मैं खुदा से कहूँगा, खुदावंद मेरी सज़ा तू किसी और को दे, कि मैंने यहाँ इस ज़मीन पर सज़ाएँ कबूल हुई हैं उनकी, कि जिनसे मुझे सिर्फ इतना ताल्लुक़ रहा है कि मैं और वो दोनों तुझको खुदा मानते थे, कि मैं और वो दोनों तुझको खुदा मानते थे, उसकी सज़ाएँ हमको मिल रही हैं। ये सच है, ये सच है। तेरा अक्स देखा तो हमने अलग आईनों में, इस मिस्र को याद कर लीजिए, ये सच है। तेरा अक्स तेरी परछाई हमने देखा था अलग आईनों में, मगर मैं खुदा से कहूँगा, खुदावंदा ये दिन क़यामत का दिन है, जिस दिन फैसला होगा, ये दिन क़यामत का दिन है, ये वो दिन है जब तूने हम सब के, ये वो दिन है जब तूने हम सब पे अपने को जाहिर किया है। तू इस वक्त मेरे गुनाहों से पर्दा उठा कर, खुदावंदा तू अपनी नूरानियों अपनी ताबानियों को मुलवस न कर, मुझे माफ़ कर दे उसे, माफ़ कर दे कि मैं और वो दो कि मैं वो और दोनों तुझको खुदा मानते थे, ये सच है। तेरा अक्स देखा तो हमने अलग आईनों में, हमें माफ़ कर दे कि हमने सजाएं कबूल हुई हैं एक दूसरे की, हमें माफ़ कर दे कि सारे गुनाह सारी तकसीरें सच सच बताऊं इसी दिन की खातिर हुई थी। अगर हश्र का दिन पहले आ जाता, जब खुदा भगवान प्रभु सामने आ जाता, तो हम सब देख लेते कि जिसके लिए हम लोग जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसके नाम पर हम सब सर कटाते हैं, एक दूसरे के सर काटते हैं, एक दूसरे के सीने में खंजर भोंकते हैं, वो खुदा तो एक ही है, वो प्रभु तो एक ही है, वो प्रभु जिसका नाम दारा शिकोह ने अपने बाजूबंद पर लिखा था, वो प्रभु जिसके नाम के अकबर आजम ने माला जपी थी, और वो खुदावंद खुदूस जिसको राजा राम और चकबस ने अपनी नज़मों में समोया। तो दोस्तों ये एक नज़्म मैं खुदा से कहूँगा कि हम सबको माफ़ कर दे, हम सब एक हैं, हम सब गुनहगार हैं, मगर हम तुझे पहचानते नहीं थे, हमने तुझे अलग अलग आईनों में देखा था, अगर एक ही आईने में देखा होता तो तू हमारे सामने आ जाता। दोस्तों इस बात के साथ मेरी जो बातें आपके सामने मैंने रखी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब। मैं गुजराती के इश्क में ऐसा पढ़ा कि उर्दू से बहुत दूर हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस जश्न का, इस फेस्टिवल का, और पारस यहाँ बैठा है उसका, कि उसने इसरार किया कि नहीं आपने कुछ नज़में डांग के ताल्लुक से कही हैं, तो मैंने कबूल कर लिया इस दावत को यहाँ इस सेशन में कि डांग में गुजरात का बहुत खूबसूरत इलाका। मुझे कश्मीर से आने वालों ने ये कहा कि ये कश्मीर से भी खूबसूरत है, ऐसे मौसमों की रंगारंगी है वहाँ। तो मैंने उसके पस मंज़र में, उसकी पार्श्वभूमि में उर्दू में बहुत सारी नज़में और गज़लें कहीं, लेकिन उसमें से एक ही नज़्म मैं आपको यहाँ पर सुनाऊँगा। और मैंने गुजरात के ताल्लुक़ से, धोलावीरा के ताल्लुक़ से, अहमदाबाद के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें कही हैं, इसलिए कि उर्दू ज़बान जिसका ताल्लुक़ गुजरात से है और जिसमें हम पनपे, तो उस उर्दू के नाम हम अपनी कुछ तख्लीकात कर दें। डांग शीर्षक उन्वान, एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाता हूँ। सैकड़ों मील फैले हरे भरे टीले, सैकड़ों मील फैले हरे भरे टीले, फिर पहाड़ी सिलसिले सहयाद्री की गोद से नीचे उतरकर वादियों में गुम पहाड़ी सिलसिले। सागवानों से भरे बांस के जंगल सजीले, सागवानों से भरे बांस के जंगल सजीले, आसमां के पर कतरते सब्ज मंजर, ग्रीन लश ग्रीन, आसमां के पर कतरते सब्ज मंजर, तुंद तेज तेज हवाओं के समंदर, उदी पीली लाल नारंगी शामे, नदियों के साफ पानी से धुले उजले सवेरे,
नदियों के साफ पानी से धुले उजले सवेरे, मौसमों के साल भर डेरे, उधर पर्वत इधर टीले, इधर पर्वत उधर टीले, और टीलों की ढलानों पर, पर्वतों की चोटियों पर, वादियों के दामनों में, नदियों के मोड़ पर, साल हा साल से बसते हुए डांगी कबीले, साल हा साल से बसते हुए डांगी कबीले, अपने आबाई पूर्वजों से, अपने आबाई इलाकों में बड़े खुश चैन की बंसी बजाते, अपने गल्लों को चराते, हर्ड्स मालधारियों माल चरा दे तेरी थे, चैन की बंसी बजाते, अपने गल्लों को चराते, दूध की लद्दी बहाते, नागली की छोटी छोटी फसलें बोते, नागली अनाज वहाँ का एक होता है लाल रंग का, नागली की छोटी छोटी फसलें बोते, काटते, खाते, नाचते, गाते, अभी ले न इनके ख्वाब कोई, न तरक्की की कोई ख्वाहिश, बमल साहब कहते कि न इनके ख्वाब कोई, ना तरक्की की कोई ख्वाहिश, नहीं तहजीब के बनने बिगड़ने का कोई खदशा कोई संशय, नहीं तहजीब के बनने बिगड़ने का कोई खदशा, कतारों में खड़े रहकर सुबह को शाम करने का न मनसूबा, न मिलों कारखानों का धुआं, न हड़तालों का समा, न बंदूकों की सदाएं, न मासूम चीखें, न बेवजह आहें, बड़ी पुरसुकों हैं यहाँ की हवाएं। क्या बात, बड़ी पुरसुकों हैं यहाँ की हवाएं। तो डांग के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें, जैसा कि एक गजल का मेरा मतलब है कि कुछ नहीं है इस बशर की, बशर व्यक्ति इंसान, कुछ नहीं है इस बशर की चंद वक्तों की नमाज, कुछ नहीं है इस बशर की चंद वक्तों की नमाज, आओ देखो जंगलों में इन दरख्तों की नमाज, क्या बात है, आओ देखो हार बंद उबेला वृक्षो घट। एक तरफ डांग है गुजरात का छोर, दक्षिणी छोर, और एक तरफ है धोलावीरा पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ कच्छ के इलाके में उत्खनन से हमें प्राप्त पाया हुआ एक शहर जो आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है और आर्यन संस्कृति हमारे सामने आ रही है। जब मैं वहाँ गया एक रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए, तो वहाँ गाइड के तौर पर तो कोई नहीं था, लेकिन वहाँ का एक चौकीदार था, और उस चौकीदार ने हमें, मैं और परेश नायक, हम वहाँ एक प्रोग्राम नेशनल लेवल का बना रहे थे, तो उस चौकीदार ने जब हमें धोलावीरा के बारे में बताया और बताता गया, तो ऐसे कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था कि लग रहा था कि ये भी सदियों पुरानी दबी तहजीब में से निकला हुआ एक इंसान है जो बड़ी विश्वास के साथ बता रहा है कि हम क्या थे और यहाँ क्या था। तो मैंने उसी इंसान के नाम, जिसका नाम जयमल है, उसके नाम ये कविता की है, और इसका शीर्षक ही रखा है जयमल चौकीदार। जयमल, तुम धोलावीरा खंडर के रखवाले, रखवाले इन टीलों के, जिनके नीचे इजदाद पूर्वज, जिनके नीचे इजदाद तुम्हारे और हमारे दफन हुए अपनी तहजीबें लेकर, दफन हुए अपने घर की दीवारों में, दरवाजों में, दालानों में। जयमल, तुम जब बोल रहे हो सदियों के पट खोल रहे हो, जब तुम बोल रहे हो सदियों के पट खोल रहे हो, इन टीलों में दबे हुए बहलों के दरवाजे खोल रहे हो। जयमल, तुम बोल रहे हो संजय के मानिंद, महाभारत का संजय, तुम बोल रहे हो संजय के मानिंद, अपने अजदाद की तहजीबों की बातें, तहजीब संस्कृति, अपने अजदाद की तहजीबों की बातें, पानी की किल्लत से लड़ने की बातें, मैदानों में खेल कूद के किस्से, आरामों आसाइश के गोशे, दिलचस्पी के सामान, सात युगों की परतों के नीचे दबे हुए इंसानों के अरमान। धोलावीरा के मुर्दा टीलों के नीचे सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है। देखिए, जिंदा और पाइंदा, हमारे यहाँ जिंदाबाद कहा जाता है, पाकिस्तान में पाइंदाबाद कहा जाता है, दोनों की सरहद के बीच में ये इलाका है। दीवारों, सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है। क्या पाइंदा है, क्या जिंदा है? आंगन में चक्की के घन घन,
दालानों में चूड़ी और पायल की खनखन, मिट्टी की गाड़ी, गुड़ियां, गुड़ियाएं, बर्तन, बैलगाड़ियों के छक्कड़ में धन धानी, बाजारों में तूतू मेमे, तीर कमानों के तोहफे, खुशियों के फव्वारे, सात युगों की परतों के नीचे सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है। जयमल, तुम सच कहते हो, तुम सच कहते हो, धोलावीरा के टीले के पीछे दूर कहीं मौजूदा सरहद के नीचे आर्याई तहजीबों के आसार, जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें आसार कहा जाता है, निशानियां, आर्याई तहजीबों के आसार इसी तरह जिंदा हैं, पाइंदा हैं, धोलावीरा तक शाहराहों से जुड़े हुए हैं। शाहराह एक्सप्रेस हाईवेज धोलावीरा तक शाहराहों से जुड़े हुए हैं, दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐ धोलावीरा के रखवाले जयमल, मैं खुश हूं कि तुम जिंदा हो, इन टीलों के नीचे दबे हुए किससे कहने को तुम जिंदा हो, तुम जिंदा रहना, वरना मेरी औलादों को कौन बताएगा अपनी तहजीबों के राज, तुम जिंदा रहना। जयमल चौकीदार। तो गुजरात की ये दो इलाके, एक दक्षिण छोर और एक उत्तर छोर, मैंने गुजरात के बहुत सारे इलाकों पर कुछ अपनी नज़में कही हैं, गुजरात पर भी कही हैं। जयंत परमार यहाँ मौजूद है, हम उनकी दो तीन चीज़ें, खूबसूरत नज़में और एक आध गज़ल सुने। अभी अभी बम्बेला साहब ने जो लफ्ज की बात कही, इस गज़ल के हर शेर में लफ्ज आएगा, मुसलसल गज़ल भी कह सकते हैं इसको। मतला अर्ज किया है, लफ्ज जो आर पार निकला था, लफ्ज जो आर पार निकला था, हमने मिसरे में वो पिरोया था। लफ्ज जो आर पार निकला था, हमने मिसरे में वो पिरोया था। सुबदम धूप की हथेली पर, सुबदम धूप की हथेली पर, लफ्ज का एक गुलाब महका था। सुबदम धूप की हथेली पर, लफ्ज का एक गुलाब महका था, कोरे कागज की जामा मस्जिद में, कोरे कागज की जामा मस्जिद में लफ्ज पांचों नमाज पढ़ता था। कोरे कागज की जामा मस्जिद में ये तजुर्बा है, लफ्ज पांचों नमाज पढ़ता था। शमासी जल रही थी उंगलियां, रक्स में लफ्ज का सितारा था। हर तरफ है स्याह खामोशी, लफ्ज का फूल किसने तोड़ा था। लफ्ज के नक्श पा है कागज पर, शेर देखिए, लफ्ज के नक्श पा है कागज पर, रात कमरे में कौन आया था। लफ्ज के नक्श पा है कागज पर, रात कमरे में कौन आया था। चेत की रात चांद पूनम का, लफ्ज की घास पर मैं लेटा था। लफ्ज जो आर पार निकला। दूसरी गजल के चंद शेर, शेर तो यूं ही हो गए होंगे, भर गई थी बयाज अश्कों से। नाम अव्वल था उसका मतले में, हम तो मकते में भी न शामिल थे। नाम अव्वल था उसका मतले में, हम तो मकते में भी न शामिल थे। शहरे दिल्ली में आके सोचा था, काश गालिब कहीं पे मिल जाते। लफ्ज के जोड़ तोड़ में उलझे, ऐसे उलझे कि शेर भूल गए। आँख खुलते ही मैंने देखा था, ख्वाब सारे लहू में लिथड़े हुए। आँख खुलते ही मैंने देखा था,
ख्वाब सारे लहू में लिथड़े हुए, रोज मिट्टी में मिल रहा हूँ मैं, रोज मिट्टी में मिल रहा हूँ मैं, रेत झड़ती है मेरे सीने से, रोज मिट्टी में मिल रहा हूँ मैं, रेत झड़ती है मेरे सीने से, खून जलाते थे हम मगर ऐ दिल, खून जलाते थे हम मगर ऐ दिल, ये अंधेरे तो और बढ़ने लगे। किस तरह अपनी दास्तां लिखता मैं मुरतब न कर सका लम्हे, शेर तो यूं हो गए होंगे। काम ये भी तो करके देख लिया, काम ये भी तो करके देख लिया, एक दिन हमने मर के देख लिया। काम ये भी तो करके देख लिया, एक दिन हमने मर के देख लिया, इश्क में मोम सा पिघलना है, इश्क में मोम सा पिघलना है, आग में पांव धर के देख लिया, फिर हवा लिखेगी हमारा पता, फिर हवा लिखेगी हमारा पता, डालियों से बिखर के देख लिया, फिर हवा लिखेगी हमारा पता, डालियों से बिखर के देख लिया, लहर दर लहर नाम उसका था, लहर दर लहर नाम उसका था, चांद की प्याली भर के देख लिया, कौन मुझको यहाँ पुकारेगा, कौन मुझको यहाँ पुकारेगा, इस गली से कौन मुझको यहाँ पुकारेगा, इस गली से गुजर के देख लिया, कौन मुझको यहाँ पुकारेगा, इस गली से गुजर के देख लिया, तिरगी पास भी ना आती थी, फिर देखिए तिरगी पास भी ना आती थी, नज्म में पांव धर के देख लिया, तिरगी पास भी ना आती थी, नज्म में पांव धर के देख लिया, काम ये भी तो करके देख लिया, एक दिन हमने मर के देख लिया। थैंक यू बहुत जयंत परमार, प्रोफेसर आदिश शमसी साहब और प्रोफेसर मोहिउद्दीन बॉम्बे वाला का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं भार्गव से गुजारिश करूँगा कि वो दावत दें प्रश्नोत्तरी माटे। सर, एक मरतबा मरहूम प्रोफेसर हारिस अजी साहब ने यूँ कहा था कि जो जदीद उर्दू गज़ल है वो लाहौर, दिल्ली या लखनऊ में नहीं मगर अहमदाबाद के तीन दरवाजे की फुटपाथ पर पैदा हुई है और उसके अलमबरदार शायर मोहम्मद अलवी और आदिल मंसूरी है, तो आप इस स्टेटमेंट से कितना इत्तफाक रखते हैं? क्या सचमुच में वो इतने बड़े शायर थे हमारे गुजरात के? जदीद शायरी का दौर जो शुरू हुआ है उर्दू में, वो मेरे ख्याल में 1962 के बाद शुरू हुआ, जब शबकुन नाम का रिसाला शमसुर रहमान फारूकी ने जारी किया था। बात यूँ हुई थी कि शेर कहने लगे थे, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रवाबत कायम थे, डाक का पोस्ट कार्ड हमारा भी जाता था, उनका आता था, तो किताबें बाकायदा पोस्ट से मिल जाया करते थे, वहाँ के रिसाला आया करते थे, नुसरत, सात रंग, आजब लतीफ, सवेरा, नकूश, इसमें गुजरात की चीज़ें छपी थी, मोहम्मद अलवी की, सरशार की, आदिल मंसूर की, और पाकिस्तान में छपने वाले लोगों से पहले छपी थी। ये पहला इस बात का सबूत है कि ये चीज़ें वहाँ पर बहुत मकबूल थी। दूसरी बात ये थी कि मोहम्मद अलवी ने एक मुशायरा किया, उस मुशायरा का नाम दिया था एक मुशायरा, जिसमें ब्रैकेट में लिखा था एक अनोखा मुशायरा। प्रेमाबाई हॉल में मुशायरा हुआ था जिसमें सिर्फ तीन शायरों को बुलवाया गया था, वो तीन शायर पहली बार अपना कलाम सुना रहे थे बड़े मुशायरे में, जिसमें से एक आज का मकबूल तरीन शायर बशीर बदर थे, एक बिबिन अश्क थे और एक शहरयार, खुद मोहम्मद अलवी मौजूद थे। वो तीनों ने जो अपनी चीज़ें सुनाई हैं आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं, आज तक वो तमाम चीज़ें हैं, वो चीज़ें वहाँ पर पहुँची थी, और इन लोगों ने कहा था कि हम पहली बार ये गज़लें सुना रहे हैं या गुजरात की सरजमीन पर अहमदाबाद में, और मेरे ख्याल में ये एक वजह थी जिसको सामने रखकर अलवी साहब ने यह कहा था कि जदीद गज़ल की नींव अहमदाबाद में रखी गई थी, उस मशायरे में रखी गई थी जहाँ से ये तमाम चीज़ें फैली थी। ये 1962 का ज़माना था। ઇસ્લામ ધર્મને નથી પાડી શકતા કે કઈ કોઈ પણ વાત હોય, મને કદાચ ગુજરાતીમાં થોડુંક સારું લખી શકું છું, પણ ઉર્દુમાં જો સારી રીતે લખવું હોય તો મને ખબર છે કે ઉર્દુ લેખનની ભાષા છે, બોલીની ભાષા નથી, તો એના માટે અત્યારે શું કરવું જોઈએ અથવા તો
કોઈ બુક્સ કે એવા કોઈ મૂવીઝ કે જે જોઈને અમે સારામાં સારી રીતે ઉર્દૂ શીખી શકીએ? કારણ કે ઘણી વાર લખવું ઘણું બધું હોય છે, પણ પહેલું વસ્તુ તો ઉર્દૂ લખવાની ભાષા છે, બોલવાની ભાષા નથી. ભાષા હોય જ છે બોલવા માટે, અને ખૂબ બોલાય છે. અને જો હું ગુજરાતી બોલું છું ને, એટલે હું ઉર્દૂ વાળો છું. પ્રોફેસર શમસી અને જયંત પરમાર બંને ગુજરાતી બોલે છે ઘરમાં, અને બંને ઉર્દૂ વાળા છે. તો એ સાંભળવાની ભાષા છે ને સાંભળીને બોલવાની ભાષા છે. તો આપણે સાંભળીએ, કોઈ પણ ભાષા શીખવા માટે આપણી પાસે કાન જોઈએ, અને કાન જે સાંભળે છે એ જ આપણે બોલીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા ભાષા બોલવા માટે જ હોય છે, લખાય છે પછી. એટલે એમાં એને માટે પ્રોફેસર મયુદ્દીન બોમ્બેવાલા સાહેબે કેકા કારેલ આપણે કેકા શાસ્ત્રી સાહેબની સહાયથી જે અદ્ભુત ડિક્શનરી રચી છે એ ગુજરાતી ઉર્દુ ડિક્શનરી છે. એટલે ઉર્દુ ગુજરાતી કે ઉર્દુ શબ્દો ઉર્દુમાં પણ લખ્યા છે અને ગુજરાતીમાં પણ લખ્યા છે, અને એનો અર્થ તમે ગુજરાતી ભાષામાં જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે આપણે જેવી રીતે આઈઆઈટીમાં અત્યારે 100 જણ ઉર્દુ શીખી રહ્યા છે, લખવાનું પણ શીખી રહ્યા છે, વાંચવાનું પણ શીખી રહ્યા છે, તો મારા એક મિત્ર છે વિભાવન મહેતા, આવી જ રીતે ઉર્દુ શીખ્યા છે. કોઈ મિત્ર પાસેથી, તમે જેને જાણતા હોય એની પાસેથી શીખો. અને એવા ઘણા કોર્સીસ અવેલેબલ પણ છે જે ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતી માધ્યમથી, હિન્દી માધ્યમથી ઉર્દુ એમાં શીખી શકાય છે, અને માર્ગદર્શન તમને હું આપીશ ચોક્કસ. પહેલાં અમદાવાદમાં ઘણા બધા મુસાયરા થતા હતા, છેલ્લા કેટલાય વખતથી જોતા નથી કોઈ મુસાયરા થતા હોય. તો અહીંયા આગળ કોઈ કેવી એ નહીં કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને દર મહિને એકાદ કોઈ મુસાફરો ગોઠવાય? ખાસ કરીને મને મારે આપને, કારણ કે આ સાહેબો તો હવે જયપુમ્બલ લાયક થાય પરવાર્યા, એટલે એમનાથી એ પ્રયત્ન નહીં થાય, પણ આપ કરી શકો કે દર મહિને એકાદ કોઈ મુસાફરો ગોઠવાય તો વધારે સારું છે. મેં ઓર જયંત ઓર તનવીર સિદ્દીકી યહાં નહીં હૈ ઓર લતીફ અમેરિકામાં બેઠે હૈ, હમ લોગોને એક સિલસિલા શરૂ કિયા થા વારિસ અલ્વી કી તકરીરે, ઓર ઉસકે સાથ સાથ હર મહિને હમ એમજે લાઇબ્રેરી કે હોલ મેં મિલા કરતે થે, ઓર ઉસી કે સાથ સાથ હમ લોગ કુછ ઉર્દૂ કે ઓર કુછ ગુજરાતી કે શાયરો કો બુલાકર ઓર નશિસ્ત કિયા કરતે થે. હા, યે સદી જબ સે શરૂ હુઈ તબ સે ઉર્દૂ શાયદ હમસે રૂઠી રૂઠી હૈ, ઉસે મનાના પડેગા ઓર ફિર ઇસ તરહ કા કુછ કામ કરના પડેગા. આપ જૈસે લોગો કી અગર ખ્વાહિશ હોગી તો ઉસે હમ જરૂર પૂરી કરને કી કોશિશ કરેંગે ઇન્શાઅલ્લાહ. મારે એક વસ્તુ પૂછવી હતી, એટલે આજે હું આ ઉર્દુમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળવા આવી છું. મેં મારી ફ્રેન્ડ છે જયંત પરમાર સાહેબ છે એમની પુત્રી, એટલે એના જોડેથી ઉર્દુ શીખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે હજુ. પણ એક વસ્તુ પૂછવી હતી કે પેઇન્ટિંગ છે, સાહિત્ય છે અને મ્યુઝિક છે, આ ત્રણેયની વચ્ચેનું કંઈ રિલેશન ખરું? આ ત્રણેયની વચ્ચે કંઈ? એકચ્યુઅલી મેં ઉર્દુ શીખના ઇસીલીએ સહી કિયા થા. બચપન મેં જબ હમ બીમાર પડતે થે તો મધર મસ્જિદ મેં લઈ જાતી, મસ્જિદ મેં ઉર્દુ લિખા હુઆ હોતા થા, મુજે પતા નહીં થા કે યે ક્યા હૈ. ઉર્દુ સીખને કે બાદ પતા ચલા કે યે સારી કુરાન કી આયતે હૈ, તો મેં તો પેઇન્ટિંગ કે નજરિયે સે દેખતા થા. ફિલ્મો મેં જો કુછ આતા બેનર પે ફિલ્મ કે નામ પર, તો આપકો વો સ્ટ્રોંગ કૈસે લગતે કે પેઇન્ટિંગ હી હો, ઇસ તરહ લગતે થે. તો કેલિગ્રાફી મેં સમજતા હું કે કેલિગ્રાફી કા બહેતરીન અગર રસ્મુલ ખત હૈ તો ઉર્દુ હૈ વો, એક યે બાત હૈ. સંગીત જો હૈ તો હર પોએટ્રી કે અંદર સંગીત હોતા હૈ, ગઝલ કે જીતને ભી ઓન્લી જો બહે રહે હૈ વો એક તરહ સે સંગીત હી હૈ, વો રિધમ જો પૂરા. તો ઉર્દુ મેં તો ઇસમે દૂસરી જબાનો સે ભી જો કુછ ઉસમેં જો રચા બસા ગયા હૈ તો વો ભી ઉસકે અંદર સાહિત્ય તો હૈ ઉસમેં. નહીં, હર કલા કા અપના એક રિલેશનશિપ તો હૈ, યે પૂરી એક અલગ બહેસ હૈ કે એક દૂસરે સે કિસ તરહ સે ઇન્ટરવોવન હોતે હૈ. મેં ચાહુંગા કે હમારે બુઝુર્ગ જો હૈ વો ઇસે કન્ક્લુડ કરતે હુએ, ઓર જો ઇમ્તિઝાજ ઇસે કહેતે હૈ ફુનૂન લતીફા કા, જો આર્ટ હૈ વો આર્ટ કિસ તરહ સે જબાનો મેં આતા હૈ. મુજે ઇતના માલૂમ હૈ કે જૈન કી બહોત સારી નઝમે વોન ગોગ કે રંગો પર
और रंगों से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से उसकी पेंटिंग जो है वो उसके अल्फाज और खुद जयंत की जो लिखाई है उर्दू में वो इतनी खूबसूरत है कि वो खुद लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैलीग्राफी के बेहतरीन नमूने हैं। तो जब एक एक लफ्ज़ जब वो लिखते हैं तो वो एक आर्ट का ही क्रिएशन है और वो समझो कि पेंटिंग को पेंटिंग के जरिए उर्दू को व्यक्त करते हैं। अजीज और दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था। उसका जवाब ये हो सकता है कि शायरी, पेंटिंग, मौसिकी, ये तीनों चीज़ों का ताल्लुक जज्बात से है, एहसासात से है, दिल से है। आपको दिल को आमादा करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को रिसीव करें। शायरी कहने के लिए खून जिगर पीना पड़ता है और शायरी समझने के लिए हमको अपने तमाम शौक दुनिया लुटा देनी पड़ती है, तब जाकर ये चीज़ें समझ में आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि समझ में आ जाए, लेकिन इससे ज़ौक और शौक पैदा करने भी बड़ी बात होती है। इसलिए कहा गया है कि पेंटिंग में रंगों की आवाज़ आपका दिल सुन सके। इस तरह से खुशबू जो है, आप खुशबू के रंग महसूस कर सकें और इसी तरह से आप मौसीकी उसे अल्फाज में देख पाएँ। ये तीन चीज़ें अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, इस पर काबू पा लेते हैं, वो आपके मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं। तो मैं समझता हूँ जिसे हम फनून लतीफ़ा कहते हैं, फाइन आर्ट्स कहते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके जिगर में समा जाएंगी। तीन चीज़ों की दुआ करने की दरख्वास्त है कि प्रभु परवरदिगार समात, बिनाई यानी बसारत और नुत्क यानी बोलने की ताकत, अगर ये तीन चीज़ें बरकरार हैं तो इंसान खुदा का भी मुकाबला कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला पूछेगा कि दुनिया में जाके क्या किया, मगर जवाब देने की हिम्मत ये तीन ताकत होंगी। जब हम देख पाएंगे कि बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जो अदब शनास थे, अदब आशना थे, शेर की कदर करते थे और जो दुनिया में बसते थे, लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि अगर इतना ही इतनी विरासत या इतना विरासत हम लेकर जाएँ तो मैं समझूँगा कि ज़िंदगी सफल है। आज का प्रोग्राम बहुत सफल हुआ, आप लोगों ने इसे सफल बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। हर शख्स को अपनी बात कहने का इख्तियार होता है, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनते हैं और दिलों में घर कर जाते हैं। मैंने ऐसी दो चार बातें ऑडियंस में बैठकर भी सुनी थी, जो हमारे पहले कहने वाले बुजुर्ग कह गए, उस पर ही मैंने अपनी बात शुरू की थी, उस पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कि देखिए, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। मोहम्मद अलवी के शेर पर बात को ख़त्म करूँगा कि उसे न देख के देखा तो क्या मिला मुझको, मैं आज ही रात को रोता हुआ मिला मुझको। आप अपनी रातें ख़राब करना चाहते हैं, रो रो कर बिताना चाहते हैं तो उसे देखिए। और वो कौन, कि कल एक लाश मिली थी मुझे समंदर में, उसी की जेब से तेरा पता मिला मुझको। ये तमाम चीज़ें बहुत हैं, कही जा सकती हैं, दीवान पढ़ें, कुलियात पढ़ें, शायरी है, अदब है, फारसी का पूरा ज़खीरा है, अरबी का ज़खीरा है, उर्दू में, और गज़ल की मकबूलियत का ये आलम है कि हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में, लगभग तमाम ज़बानों में, ख़ास करके मराठी में, बंगाली में, आसामी में, उड़िया में और गुजराती में सबसे बढ़कर गज़ल कही जाती है। ये उर्दू ज़बान की कामयाबी का दलील। तमाम वक्ताओं का खूब खूब आभार। तर बतर नहीं, बिल्कुल जोर से बोला है। यस यस, थैंक यू। आप सबनों पर खूब खूब आभार।